क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नेम वर्क एंड एनर्जी। तो आज का हमारा जो चैप्टर का नेम है वो है वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज वर्क, काम क्या है। अब इसको हिंदी में बोल सकते हैं कार्य, तो कार्य क्या है सबसे पहले ये आता है। अगर हम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर क्या होता है कि समाज किसको काम मांगता है। अगर मान लो आप चल रहे हो, या फिर आप ये कह सकते हो आप बुक पढ़ रहे हैं, बैठकर आप बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक पढ़ते वक्त ही अगर कोई तुमसे क्या कर रहे हो तो बोलेंगे कि काम कर रहा है। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर पढ़ना भी वर्क है, पढ़ना भी वर्क है। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर पढ़ना भी वर्क है। हम लिखेंगे रीडिंग बुक, भी एक काम है, लेकिन साइंस या अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना वर्क है? नो। अकॉर्डिंग टू साइंस या साइंटिफिक व्यू कह सकते हैं कि साइंटिफिक व्यू साइंस किसको वर्क मानती है। साइंस किसको वर्क मानती है, आप ध्यान से देखिए। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए, इसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है एफ। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसके ऊपर धक्का लगाया, पुश और पुल फोर्स किया, वो चलना शुरू कर देती है और थोड़ी सी टाइम के बाद वो किसी और स्थान पर पहुंच जाती है, यानी उसने एस डिस्टेंस ट्रैवल की। डिस्टेंस कितने ट्रैवल की? एस, यानी एस डिस्टेंस ट्रैवल करके वो किसी और जगह पर पहुंच गई। तो साइंस के अंदर उसी चीज को उसी कंडीशन के अंदर वर्क माना जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर दे। जब तक ऑब्जेक्ट जगह चेंज नहीं करेगी तो वर्क नहीं माना जाएगा, वर्क नहीं माना जाएगा। जब तक ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज नहीं करती, वर्क नहीं माना जाता। तो हम क्या बोलेंगे, वर्क, वर्क किसको बोलोगे? Work is said to be done. Work को किया हुआ माना जाता है कब? When force is applied and object is displaced, displaced का मीनिंग होता है जगह चेंज करना, and object is displaced by it, और क्या होगा यहां पर कि force apply किया जाएगा और क्या होगा object अपनी जगह चेंज करेगी। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम क्या बोलेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोलते हैं वैल्यू को। जैसे हम बोलते हैं कि
लेंथ 5 मीटर। तो जो ये 5 है वो मैग्नीट्यूड है, ये इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुना, मल्टीप्लाई किस चीज की, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर लगाया गया फोर्स और उसके द्वारा किया की गई डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, जो आंसर बनेगा वो वर्क कहलाता है। यदि वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, W से इसको लिखा जाता है F डॉट S। मैंने F के ऊपर क्या लगाया है, एरो, S के ऊपर भी एरो लगाया है, इनको बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनके डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि फोर्स किस दिशा में लगा, डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में हुई, उनको वेक्टर बोलते हैं, जिनके मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब दो वेक्टर क्वांटिटी की डॉट प्रोडक्ट है तो इसलिए ये क्या बनेगी, स्केलर। वर्क की कोई दिशा नहीं होती, चाहे ए से बी की तरफ वर्क हो चाहे बी से ए की तरफ, इक्वल माना जाता है क्योंकि डायरेक्शन स्केलर, उसके अंदर कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। पर जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब सीधी सी बात है, वर्क कब होगा, जब फोर्स लगेगा और वस्तु चलेगी। जितना फोर्स लगाओगे उसकी मल्टीप्लाई, जितनी वस्तु चलती है डिस्प्लेसमेंट करती है उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होना जाएगा। बात आई यूनिट, इसको मेजर किसमें करते हैं, मेजर किसमें किया जाएगा, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इनटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर बाय सेकेंड। तो हमारी यूनिट क्या बन गई, मैं सिंबल यूज करूं तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। न्यूटन मीटर पर सेकेंड को आप किस चीज से डिनोट कर सकते हैं, जूल, इसका नया नाम दे दिया जूल। जब भी हम वर्क को बोलेंगे तो बोलेंगे कि मान लो आपने फोर्स लगाया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई, उसके कारण वर्क हुआ, तो आप बोलेंगे वर्क इज इक्वल टू 12 जूल। जिस प्रकार लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, वर्क को न्यूटन मीटर पर सेकंड में, जिसका दूसरा नाम है जूल, जूल के अंदर मेजर किया जाता है। नाउ वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, वर्क को 1 जूल कब कहा जाएगा, 1 जूल। 1 जूल के लिए आप क्या करेंगे, हमें ना वर्क का आंसर 1 लेकर आना है, वर्क का आंसर कितना लेकर आना है, 1 जूल। हम क्या करेंगे इसके लिए, वर्क का फॉर्मूला करेंगे, वर्क का फॉर्मूला, हम वर्क का फॉर्मूला लिखते हैं F डॉट S, डॉट स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर की 2 टाइप की मल्टीप्लीकेशन होती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड डॉट मल्टीप्लीकेशन, ये डॉट मल्टीप्लीकेशन। अब हम पढ़ते हैं इसका आंसर, हमें 1 लेकर आना है, 1 जूल। इसका आंसर 1 कब आएगा, सोचिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी पुट करें, 1, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी कितनी पुट करें, 1। जब हम 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें, फोर्स कितना लगाएं, 1, और ऑब्जेक्ट भी कितनी चले, 1। मैं अगर डायग्राम के रूप में दिखाऊं, यानी ये एफ लगाया इसके ऊपर ये भी 1 है और ये ऑब्जेक्ट चली ये भी 1 मीटर है, और यहां पर जो फोर्स, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एफ की वैल्यू भी 1, एस की वैल्यू भी 1,
जब इन दोनों के वैल्यू वन वन मूव करोगे तो अंतर कितना बन जाएगा वन। तो वन इज सेड टू बी वन जूल व्हेन, कब बोला जाएगा वन जूल बताइए, वन न्यूटन व्हेन वन न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, एक न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है एंड ऑब्जेक्ट मूव और ऑब्जेक्ट चलती है वन मीटर और ऑब्जेक्ट वन मीटर की डिस्टेंस चल रही है, इन दोनों की प्रोडक्ट इन दोनों की गुणा का आंसर भी कितना आएगा वन आएगा, तो वन को बोला जाएगा। अब मैं आपको कुछ केस समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लीजिए कोई खिलौना है, कोई बच्चा इसको ना रस्सी से बांधे हुए है, यह थ्रेड, यह थ्रेड और यह कार्ड। अब मैं आपको थ्री केस समझाऊंगा इसके द्वारा, ध्यान से सुनना। हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू F डॉट S, जब इनकी मल्टीप्लाई की जाए और वेक्टर क्वांटिटी की डॉट मल्टीप्लाई की जाए तो हम लिख सकते हैं F cos थीटा इनटू S, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं F cos थीटा, थीटा स्टैंड फॉर एंगल, थीटा स्टैंड फॉर एंगल कि कितने एंगल के ऊपर फोर्स लग रहा है, साइन कोस, कोस होता है डायरेक्शन के लिए, यानी कि आप कह सकते हो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। मैं थ्री केस समझाऊंगा आपको। मान लीजिए बच्चे ने कार्ड को खींचा और बिल्कुल उसकी रस्सी सीधी है, अगर उसकी रस्सी बिल्कुल सीधी उसी की डायरेक्शन में करके खींचे, यानी कि क्या हो जाएगा, यहां जो एंगल बनेगा ये चीज रस्सी जितनी ये वाली चीज यहां पर आप बोलेंगे थीटा, जमीन ओरिजेंटल धरती के साथ कितने डिग्री के ऊपर रस्सी लगी उसी को बोलते हैं एंगल। हम यहाँ पर देखेंगे जब बच्चा सीधी रस्सी से खींचता है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो, यानी कि एफ थ्रेड की डायरेक्शन में एफ लगता है और इस डायरेक्शन में कौन लगती है डिस्प्लेसमेंट की वस्तु, यहां से वस्तु कहाँ चलेगी जमीन के ऊपर चल रही है, यानी वस्तु की डायरेक्शन चलने की डायरेक्शन ये हो गई और फोर्स उस बच्चे बच्चा रस्सी के द्वारा फोर्स लगाएगा फोर्स की डायरेक्शन हो गई ये और उन दोनों के बीच में जितने डिग्री का एंगल बनता है उसको बोलते हैं थीटा। अब मैं ये केस करता हूं जब मेरी एफ भी रस्सी बिल्कुल जमीन पर हो और एस भी इसी डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, तो यहां पर W वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा F cos थीटा मल्टीप्लाई S, F F की वैल्यू F है cos थीटा, यहां पर थीटा एंगल कितना बन गया जीरो डिग्री, हम लिखेंगे cos जीरो इनटू में डिस्प्लेसमेंट मान लो इसलिए F थी। आप एक चीज याद रखना, मैं यहां पर साइड में लिखूंगा कोस जीरो की वैल्यू हमेशा वन होती है, कोस जीरो की वैल्यू हमेशा कितनी होती है वन, तो इसका आंसर कितना जाएगा एफ इंटू एस। क्या यहां पर कोई आंसर नेगेटिव आएगा, नहीं, एफ भी पॉजिटिव है एस भी पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे इसको पॉजिटिव वन, कब होगा व्हेन लाइन ऑफ फोर्स एंड लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट
आर सी। अगर फोर्स भी उसी डायरेक्शन में हो, फोर्स की डायरेक्शन भी वही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी वही है, तो एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, दोनों का डिस्टेंस यानी रस्सी इसी के ऊपर आ गई, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, जीरो। पुट कर दो वैल्यू, फोर्स लग रहा है एफ, डिस्प्लेसमेंट हो रही है एस, कोस यू का यू और थीटा की वैल्यू जीरो, कोस जीरो की वैल्यू होती है वन। आंसर आ गया मैक्सिमम। ये मैक्सिमम वर्क डन है, सबसे ज्यादा वर्क तब किया जाता है जब वस्तु को उसी डायरेक्शन में खींचो, फोर्स की डायरेक्शन वही हो और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी वही हो। अब है सेकंड, यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं सेकंड केस करवा रहा हूँ इसका। ये फर्स्ट केस था, मैं यहां सेकंड केस को आपका वर्क जीरो, जीरो वर्क कब होगा मान लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से समझ आएगा। ये कारक है, बच्चे ने क्या किया, जो रस्सी थी बच्चे ने एकदम से रस्सी को बिल्कुल 90 डिग्री पर खींच लिया, एफ की डायरेक्शन हो गई ऊपर और वस्तु का चलना किधर था, एस की डायरेक्शन किधर थी, इधर, और उन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। मान लो बच्चा रुक गया, रुक कर उसने धागे को एकदम से ऊपर सीधा खींच लिया, कई बार चलते चलते उसने धागे को ऐसे कर दिया सीधा, लोने से बंधे हुए धागे को सीधा खींच दिया ऊपर, क्या वस्तु आगे जाएगी, नहीं। तो देखते हैं वर्क क्या आता है, ये खिलौना था कार्ड, इसके धागे को ऊपर खींच दिया, ऊपर फोर्स की डायरेक्शन हो गई ऊपर और डिस्प्लेसमेंट किधर होनी थी, यहाँ, और इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90। डब्ल्यू एफ फोर्स 90 इंटू एस। अब एक चीज ध्यान रखना, फोर्स 90 इज इक्वल टू जीरो, ये बात ध्यान रखना, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ पर जीरो आ जाएगी, f जीरो इंटू एस, सारा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। क्या यहाँ का कोई काम होगा, वस्तु को आगे जाना था, क्या वस्तु आगे जाएगी, तो फिर वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज जीरो। कंडीशन क्या है, कब है, जब एंगल कितने डिग्री का हो, व्हेन लाइन ऑफ फोर्स इज एट 90 डिग्री, जब 90 डिग्री पर फोर्स लगे तो वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो। थर्ड केस क्या है, जब लाइन ऑफ एक्शन लाइन ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, बच्चा रस्सी को उल्टा खींचे, जाना उस डायरेक्शन में था, बच्चा चलते चलते क्या हो गया, वापिस मुड़ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट किधर होनी थी, उस साइड, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, एस, इनके बीच का एंगल कितना माना जाएगा, ये थीटा माना जाएगा 180, क्योंकि सीधी लाइन का एंगल कितना होता है 180, जब एक चीज इधर हो और एक चीज इधर हो तो ये एंगल कितना माना जाता है 180। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, एफ कोस 180 इंटू एस, कोस 180 की वैल्यू होती है माइनस वन, माइनस वन, जब हम ये पुट करेंगे एफ इंटू माइनस वन इंटू एस, हमारा आंसर बन जाएगा एफ इंटू एस माइनस आगे, तो ये वर्क का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, वर्क
डन इज नेगेटिव। कब है ये नेगेटिव? व्हेन लाइन ऑफ फोर्स इज अपोजिट, और कह सकते हो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू 180 है तो आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव।